क्रियोजोट एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बेहतरीन इंडिकेटर जिनके बेसिस पर क्रियोजोट का यूज करने से अल्टीमेट रिजल्ट आता है। क्रियोजोट केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है जो कि किसी केमिकल से डिराइव की गई है। और क्रियोजोट का जो केमिकल है कुछ इस तरह से है, ए फिनाल है, इसका नाम है फिनाल। ये केमिकल जो फिनाइल होता है जिसे पोछा ओछा मारने के लिए जो घर में आता है उसी से मिलता जुलता है और वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी जिस फर्श पे आप फिनाइल से पोछा लगा देते हैं तो वहां के जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही केमिकल क्रियोजोट का भी है। क्रियोजोट भी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन है या जो सेंसिटिविटी है उसको ठीक करता है। तो इसका रेड लाइन इंडिकेटर इस तरह से है कि पूरे बॉडी में पल्सेशन तेज है, पल्स जैसे तेज चल रही है, यानी धड़कन महसूस होती है बॉडी के किसी भी पोर्शन में, किसी भी भाग में। तो अब यूं समझिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी है और हार्ट यहां पे है और उसकी धड़कन पूरे बॉडी में महसूस हो रही है तो कहीं पे भी जरा सा भी चोट लगेगी तो ब्लीडिंग फास्ट होगी। यानी इसीलिए इसके बारे में एक फीचर्स है कि स्मॉल वुंड यानी जो छोटा सा घाव है वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करता है, यानी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। चोट थोड़ी सी लगी, थोड़ी सी कहीं पे कट हुआ, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। उसके पीछे रीजन यही है कि पूरी बॉडी में पल्स महसूस होती है, यानी पल्सेशन ऑल ओवर बॉडी। तो स्मॉल वुंड से ब्लीडिंग ज्यादा होगी, यानी छोटा सा भी कहीं पे चोट लगा ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। तो इस तरह का सिम्टम्स यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी का दांत निकाल दिया गया, ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, या कहीं पे थोड़ा सा कट लग गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, और जो दांत है वो सड़ रहे हैं और जो मसूड़ा है वो स्वेल कर गया है, सूज गया है। इवन कुछ फीमेल्स में, महिलाओं में अंतरंग होने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग आफ्टर क्वेश्चन। तो इस तरह के कुछ बेहतरीन सिम्टम्स को ठीक करता है क्रियोजोट। और जो वजाइना है, जो वल्वा है, वहां पे जो इचिंग होती है, बर्निंग होती है, उन सबको भी ठीक करता है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए क्लियर कट लिखा है, पल्सेशन ऑल ओवर बॉडी, प्रिफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वुंड, थोड़ी सी चोट लगी ब्लीडिंग खूब ज्यादा हो रही है, और एक्सकोरिएटिंग बर्निंग एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज निकल रहा है, जैसे देखिए फिनाइल में स्मेल आती है ना, तो ऑफेंसिव तेज स्मेल आती है और जहां पे जिस सरफेस पर पड़ता है वहां पे खुरस्ता देता है, स्कोरिएट कर देता है। और वायलेंट इचिंग ऑफ वल्वा वजाइना, फीमेल सिम्टम्स है, जो वल्वा है, वजाइना है, इंटरनल पार्ट है, और उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है तेज। और खास बात, पेशाब करने के बाद जो इचिंग है, जो जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ये सब और बढ़ जाता है। और पेशाब की अर्जेंसी है, पेशाब जब ही लगती है तो तुरंत जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा है ऑलरेडी। जब ही पेशाब आती है तो थोड़ा सा वहां पे कुछ यूरिन का जो केमिकल्स आता है तो तेज से दर्द करने लगता है, लगता है कि तुरंत जाए नहीं तो छूट जाएगा। और खास बात, मेंसेस फ्लो ऑन सीटिंग, मेंसेस फ्लो सीजेस ऑन सीटिंग, मासिक हो रहा है और बैठ जाने पर या फिर चलने पर मेंसेस फ्लो सीजेस ऑन सीटिंग आर वॉकिंग, और जब ही लेट जाने से मेंसेस आ जाता है, यानी मासिक तभी आता है जब महिला लेटी रहती है, जब ही उठ के बैठ जाती है या फिर चलने लगती है तो मेंसेस जो फ्लो रहता हो रुक जाता है। तो मेंसेस फ्लो सीजेस ऑन वॉकिंग आर सिटिंग, रीअपीयर फिर वापस आ जाता है बैठ जाने पर, सॉरी
रीअपियर ऑन लाइंग, सो जाने पर वापस आ जाता है, और नासिया एंड वोमिटिंग सेवरल आवर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के एक डेढ़ दो घंटे बाद उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, उल्टी हो भी सकती है। तो मिचली आना, उल्टी हो जाना खाना खाने के एक दो घंटे बाद, तब ये सिम्टम्स किसका है? क्रियोजोट का। तुरंत आ जाता है तो एबिस निग्रा, और एक घंटे बाद आता है तो नक्सवम क्या। तो इस तरह हर एक मेडिसिन का अपना पिक्योरियर इंडिकेटर सिम्टम्स है, उसी के बेसिस पर सिलेक्ट करना होता है। और मस्ट हरी व्हेन डिजायर टू यूरिनेट, जब भी पेशाब लगती है तो तुरंत जल्दी से जाना पड़ता है, इंतजार नहीं कर सकते, लगता है कि पेशाब निकल जाएगा। और रैपिड डीके ऑफ टीथ एंड स्पॉन्जी गम, छोटे बच्चा जिसमें दांत निकलना जब स्टार्ट होता है तब सड़ना शुरू हो जाता है, तेजी से डीके करने लगता है। अब मसूड़ा सूजा हुआ है, जरा सा भी ब्रश करता है जल्दी से कर देने से थोड़ा सा कहीं पे भी चोट लगी वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, गम में सूजन है और ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। तो यूं समझिए कि पूरी बॉडी में पल्सेशन है, तो उसकी हिस्ट्री में है कि छोटा सा भी कहीं पे चोट लगी, ब्लीडिंग ज्यादा होने रही है, तब उस केस में आप यूज करें क्रियोजोट। और किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं क्रियोजोट, इसकी 30 पावर के ले लें, 4 बूंद सुबह में यूज करें एक टाइम। क्रियोजोट 30 सुबह 4 बूंद जीभ पर लें, तो जो इंटरनल पार्ट में जो जलन हो रही है, जो खुजली हो रही है, या फिर थोड़ी सी चोट से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ये सब ठीक हो जाएंगे।